दोस्तों, आज की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में हम इंसानों की जगह यूआई का उपयोग करने लगेंगे और इंसान का कोई भी अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। सारा काम यूआई से होने लगेगा। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, वैसे वैसे लोग बदलते जाएंगे, लोगों की सोच बदलती जाएगी, लोगों का काम करने का ढंग बदलता जाएगा और टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ जाएगी। पहले के समय में लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, मोबाइल होता क्या है ये भी नहीं जानते थे। आज के समय में लोग अलग अलग प्रकार के मोबाइल चला रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मोबाइल के दीवाने हैं। लेकिन आने वाले समय में एक चीज नहीं बदलेगी, वो है भारत की संस्कृत सभ्यता और रहन सहन और भारत में हिंदू धर्म। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन भगवान के आगे टेक्नोलॉजी कम ही पड़ जाएगी। हर देश में हिंदू धर्म छा जाएगा। अमेरिका और रूस, ब्रिटेन जैसे कई देश हिंदू धर्म अपना रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस के एक मशहूर भविष्यवक्ता थे जिन्होंने बहुत साल पहले ही हिंदू धर्म सभी देशों में फैलने की भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी ये भविष्यवाणी सच होती हुई दिख रही है। दोस्तों, वे भविष्यवक्ता फ्रांस में रहते थे, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। हर साल लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां जानना चाहते हैं। दोस्तों, वे हैं फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्तेदमस, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। नास्तेदमस ने धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक जैसी कई घटनाओं के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणियां कर दी थी। इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच होती हुई दिख रही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि माइकल दी नास्तेदमस कौन थे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, उनकी कही हुई बातें अक्सर सच हुआ करती हैं या फिर सच हो चुकी हैं। नास्तेदमस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लेस प्रॉफिटीज है, जिसमें अनेक भविष्यवाणी लिखी हुई हैं। नास्तेदमस ने अपनी सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा था, जो कुछ मैं कह रहा हूं, आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जिससे प्रभु इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने यह देवी प्रेरणा से प्राप्त किया है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है, जैसे कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान एवं समय को गुप्त रखकर प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है। सन 1566 में नास्तेदमस की मृत्यु हो गई थी। नास्तेदमस की एक दो नहीं बल्कि 400 सालों में 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। उन्होंने अंग्रेजों को लेकर भविष्यवाणी की थी, 1942 में इंग्लैंड का वर्चस्व दुनिया पर खत्म होता हुआ दिखेगा, और ऐसा ही हुआ था। नास्तेदमस ने नाजियों के बारे में कहा था कि यह एक दिन यहूदियों पर नकेल कस देगा, और ऐसा हुआ भी। और इन्होंने भारत के लिए कई भविष्यवाणियां की हैं जो कि सच होती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं माइकल दी नास्तेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में, जो कि भारत के लिए सही और सटीक साबित हो रही हैं या फिर होने वाली हैं। अगर आप वीडियो को यहां तक वॉच करते हुए आ चुके हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो का एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में सभी हिंदू भाई जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, आपके अंगूठे नहीं दर्द होंगे जय श्री राम लिखने में। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म फैलेगा पूरे एशिया महाद्वीप में। दोस्तों, नास्तेदमस ने हिंदू धर्म को लेकर कहा था कि सनातन धर्म तो इस दुनिया की पहचान है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। फिर नास्तेदमस ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर लिखा कि एक दिन भारत के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। भारत में मौजूद हिंदू धर्म पूरे एशिया महाद्वीप और कई अरब देशों में छा जाएगा। सभी लोग हिंदू धर्म को अपनाने लगेंगे। अमेरिका में पूरी तरह से हिंदू धर्म फैल जाएगा। कई मुस्लिम देश हिंदू धर्म को अपनाने लगेंगे और ऐसा होकर ही रहेगा। तो इस भविष्यवाणी को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं तो आज हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर साल अमेरिका में हिंदू धर्म बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अगर हम वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हिंदुओं की मौजूदा आबादी 32 लाख से अधिक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू भारतीय हैं। इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान से भी कुछ हिंदू आकर यहाँ पर बस गए हैं। अमेरिका की कुल जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास है। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी मात्र 1% है, यानी
अमेरिका में हिंदुओं की संख्या 32 लाख है और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 2023 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नास्ते दमस की भविष्यवाणी आज के दौर में सही और सटीक साबित हो रही है। भारत में जन्मेगा एक मुक्तिदाता। दोस्तों, इस पर नास्ते दमस कहते हैं कि वह तीन ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र में जन्म लेगा। वह व्यक्ति जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा, वह व्यक्ति एक गरीब के घर में पैदा होगा और पहले तो लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में वह सभी के लिए मुक्तिदाता बनकर उभरेगा और फिर लोग उससे बहुत प्रेम करने लगेंगे। 2023 में सच होने वाली भविष्यवाणियां। मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे लोग। मंगल ग्रह को लेकर नास्ते दमस ने भविष्यवाणी की है, जिसे कुछ इस तरह लिखा गया है। मंगल ग्रह पर रोशनी गिर रही है। कई लोगों का मानना है कि नास्ते दमस ने इंसान के लाल ग्रह पर कदम रखने से जुड़ी भविष्यवाणी की है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचने से जुड़े मिशन में एक बड़ी कामयाबी इस साल मिल सकती है। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बनाने की बात कह चुके हैं। वह 2029 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि 2023 में मंगल से जुड़ा कोई मिशन एलेक्स मस्क के दिमाग में हो, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मंगल ग्रह पर पहुंचने से संबंधित मिशन को बड़ी सफलता मिल सकती है। तीसरा विश्व युद्ध। नास्ते दमस की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 में भी यूक्रेन और रूस के बीच में टकराव जारी रहेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। उनका दावा है कि 2023 में भी यह युद्ध 7 महीने तक चलेगा। कई लोगों का मानना है कि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष शुरू हो सकता है। इसके साथ ही मानते हैं कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका आएगा और यह एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। पॉप पर भविष्यवाणी। नास्ते दमस ने भविष्यवाणी की थी कि पॉप बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है, पॉप फ्रांसिस के स्थान पर कोई और नया पॉप आ जाएगा। नास्ते दमस आगे कहते हैं कि पॉप फ्रांसिस आखिरी सच्चे पॉप होंगे, अगला पॉप भ्रष्टाचारी होगा। बरसेगी आग। नास्ते दमस की भविष्यवाणी के मुताबिक शाही भवन पर आकाशीय आग गिरेगी। उनका दावा था कि सभ्यता की राख से नई सभ्यता का उदय होगा। कई लोग दुनिया खत्म होने से इसे जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ दुनिया के नए कानूनों से की व्याख्या कर चुके हैं। दो महान शक्तियां आएंगी एक साथ। नास्ते दमस ने दो महान शक्तियों के एक गठबंधन बनाने की भविष्यवाणी की है। नास्ते दमस के मुताबिक एक मजबूत व्यक्ति और एक मजबूत पुरुष या महिला नेता के बीच यह गठबंधन होगा। उन्होंने कहा था कि इसके प्रभाव अच्छे होंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दुनिया में आर्थिक संकट। नास्ते दमस की भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया भर के कई देश आर्थिक संकट से परेशान दिखाई देंगे। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन की जंग के बाद कुछ देशों में लोगों को ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा। बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाएगी। लाखों लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। इंसान ही इंसान को खाने लगेगा। दोस्तों, ये थी नास्ते दमस की कुछ अचूक भविष्यवाणियां। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।